कुछ वर्ष पहले भारत विश्व की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था, आज भारत ने 5वें पायदान पर आकर खुद को देश की विश्व की सबसे बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में साबित किया है। यह वह स्वर्णिम समय है जब हम उद्यमिता के क्षेत्र में विश्व गुरु बनने की कल्पना को साकार कर सकते हैं। कोरोना काल के बावजूद भारत ने खुद को तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है। यह बात शुक्रवार को आगरा आईटीसी मुगल में आयोजित हुए स्टार्टअप एरा कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के रूप में अपने उद्बोधन में भारतीय वायुसेना के पूर्व अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया ने कही। उन्होंने कहा कि आज इस आयोजन में कई क्षेत्रों के उद्यमियों को स्टार्टअप के बारे में बड़ी ऊर्जा के साथ बात करते हुए देखा। मैं अब एक नए क्षेत्र में डिफेंस की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का आह्वान करना चाहूँगा। भारत वह देश है जो पहले डिफेंस के क्षेत्र में सिर्फ निर्यात पर निर्भर था, आज वक्त बदला है। डिफेंस के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं। भारत एक बड़े बाजार के रूप में उभर रहा है जहां छोटे से लेकर बड़े स्टार्टअप के विकल्प खुले हैं। ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन पूरन डाबर ने कहा, आज जिस स्वर्णिम युग में हम जी रहे हैं उसमें उद्यमिता के बड़े अवसर देखने को मिल रहे हैं। कार्यक्रम में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग भारत में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए विशिष्ट अतिथि FDDI के प्रबंध निदेशक कर्नल पंकज कुमार सिन्हा ने कहा, स्टार्टअप के लिए हमने 10 करोड़ तक की फंडिंग किए जाने का प्रावधान किया है, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। इस दौरान काफी संख्या में मौजूद अधिकारियों और उद्योगपतियों ने अपने अनुभव साझा किए।